दोस्तों, श्रीलंका में बुरी तरह फंस गई टीम इंडिया। ये मैच विनर खिलाड़ी हुआ पूरे एशिया कप से बाहर। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया इस समय एशिया कप की तैयारियों में जुटी हुई है। एशिया कप जिसकी स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। 30 अगस्त वो तारीख होने वाली है जब यहाँ पर दोस्तों एशिया कप की शुरुआत होने वाली है और एशिया कप का पहला मुकाबला पाकिस्तान वर्सेज नेपाल के बीच खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों सबकी निगाहें टिकी हुई है सिर्फ और सिर्फ उसे एक मुकाबले पर जो कि खेला जाएगा दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। 2 सितंबर के दिन यह मुकाबला होने वाला है और पाला केले में जब यह मुकाबला खेला जाएगा तो हमें पता है व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे और सभी लोग टीवी के सामने बैठेंगे। लेकिन दोस्तों उस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर भी सामने आ रही है जिसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल दोस्तों टीम इंडिया के चोटिल होने का जो सिलसिला वो नहीं रुक रहा है। पिछले कई महीनों से श्रेयस अय्यर और उसके अलावा यहां पर दोस्तों केएल राहुल चोटिल चले थे, लेकिन हाल ही में खबर आई थी दोनों फिट हो गए थे। पर अभी एक ऐसी अपडेट आ रही है जिसे सुनकर आप भी थोड़ा सा निराश हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों अगर बात करें श्रेयस अय्यर की तो श्रेयस अय्यर काफी अच्छे फिट नहीं नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया जहां पर ऐसा पता चला है कि श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट एंड फाइन नहीं है, जिससे टीम इंडिया के लिए दिक्कत यह है कि अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलते हैं तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया को थोड़ा सा बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर श्रेयस अय्यर बाहर हो जाएंगे तो आपके हिसाब से किसे टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।